विशेष सत्र न्यायालय ने आकाश बंकट येतानी को 16 वर्ष कम उम्र की मानसिक तौर पर अस्वस्थ लड़की से बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया है। इस मामले में उसे 20 वर्ष की सक्षम कैद और 20,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश के जी राठी ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। आरोपी आकाश को धमकाने के मामले में 6 माह की कैद और 1,000 रुपए जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर 1 माह अतिरिक्त कैद की सजा भी सुनाई गई है। आरोपी को दोनों सजाएं एक साथ भुगतनी होगी। जुर्माने की संपूर्ण रकम पीड़ित लड़की को देने के निर्देश दिए गए हैं। आरोपी को 4 नवंबर 2018 को गिरफ्तार किया गया था, तब से ही उसको हिरासत में रखा गया है। आरोपी दरोडा तहसील काटुल का निवासी है। वह विवाहित तथा पेशे से मजदूर है। उसको 2 बेटे भी हैं। पुलिस शिकायत के अनुसार पीड़ित लड़की के माँ पिता भी मजदूर हैं। वह रोजाना काम पर जाते थे। इसकी वजह से पीड़ित घर में अकेले रह रही थी। आरोपी इसका लाभ उठाते हुए उसके घर जाता था। इस दौरान विभिन्न प्रलोभन देकर वह नाबालिग लड़की का यौन शोषण करता रहा। उसने अपने इस जुर्म को दबाने के लिए लड़की को जान से मारने की धमकी भी दी थी। नतीजतन वह खामोशी बरतती रही। 1 नवंबर 2018 को यह लड़की बीमार पड़ गयी। उपचार के लिए अस्पताल ले जाने पर जांच में पाया गया कि लड़की 2 माह की गर्भवती है। इसके बाद लड़की से सख्ती से पूछताछ करने पर यौन शोषण का मामला सामने आया है। आरोपी के डीएनए परीक्षण में आरोपी पीड़ित लड़की के गर्भ का पिता होने की पुष्टि हो गई है। इसी प्रकार सरकारी पक्ष द्वारा 17 गवाहों का परीक्षण किया गया। मामले में ठोस चिकित्सकीय सबूत भी पेश किए गए। सरकार की ओर से एडवोकेट रश्मि खापटे ने पैरवी की। कोंढारी पोलीस स्टेशन ची घटना होती, त्यावेळा घटनेच्या वेळा 4/11/2018 चं ऑफेन्स रजिस्टर्ड आहे आणि त्यावेळा आरोपी 23 वर्षाचा होता। मुलीचं वय 16 होता, पण ती थोडीशी तिचा IQ स्लो होता, त्याच्यामुळे तिचं मेंटल एज जे होतं ते 8 वर्ष 6 महिने होतं। आणि 376 subclause 3 हे जे नंतर पॉक्सोमध्ये पण जे 24 एप्रिल 2018 जे क्रिमिनल अमेंडमेंट ऍक्ट आला आणि त्याच्यानंतर जे अमेंडमेंट आलो त्यानंतरचं मिनिमम जी शिक्षा आहे पॉक्सोमध्ये आणि 376 subclause 3 ऑफ IPC मध्ये ही शिक्षा 20 वर्षाची कमीत कमी आहे। तर अशा पद्धतीचं पहिलंच मी म्हणेल की जजमेंट नागपूर कोर्टाने दिलेलं आहे आणि सेक्शन 5 पण पॉक्सोचा होता यामध्ये। आणि मला असं वाटतं माननीय न्यायालयाने जो काही निर्णय दिला आहे त्यातून आपल्या सोसायटीमध्ये मेसेज जायला पाहिजे की शिक्षा ही वाढली आहे आणि कायद्याचं उल्लंघन जे करतील त्यांना ते सगळ्या त्यांना ती शिक्षा भोगावी लागेल। यामध्ये आमचे सर्व जे पोलीस अधिकारी आहेत त्यांनी अतिशय उत्कृष्टपणे काम केलेलं आहे। तपास खूप चांगला होता आणि मला असं वाटतं माननीय न्यायालयाने दिलेला जो राठी साहेबांच्या न्यायालयाने जो निर्णय आहे तो खरंच प्रशंसनीय आहे। 20 वर्षाची सजा त्याला झालेली आहे 376 मध्ये आणि पॉक्सोमध्ये 376 subclause 2 376 subclause 3 मध्ये। त्याच व्यतिरिक्त पॉक्सो 5 आणि 5 मध्ये त्याला सजा झालेली आहे 20 वर्षाची आणि 20,000 रुपये फाईन जो की व्हिक्टिमला देण्यात येणार आहे जे काही कॉम्पन्सेशनचं अमाऊंट आहे ते। आणि त्याचप्रमाणे 506 मध्ये त्याला सजा झालेली आहे। अशा पद्धतीचं जजमेंट आहे, 6 महिन्याची सजा आणि 1,000 रुपये फाईन आहे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।